हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इनिशिएटिव से इनकम टैक्स केसेस की जो सीरीज हमने शुरू की है, उस सीरीज के अंदर आज हम सेक्शन 148 के नोटिस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे। केस का नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 313 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 मई 2022 को आया। फ्रेंड्स, सेक्शन 148 एक ऐसा इशू है जो कि 2021 के अंदर, जो सेक्शन 148 के अंदर अमेंडमेंट लाई गई, उससे पहले भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिटिगेशन होती थी। सरकार ने एक बहुत ही अच्छी नीयत से सेक्शन के अंदर सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फेमस केस JKN ड्राइवशाफ्ट के जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको इनकॉर्पोरेट करता था। लेकिन जैसे ही सेक्शन 148A आया, वैसे ही सेक्शन पर जो लिटिगेशन थी वो इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई और जो गलतियां डिपार्टमेंट, जो प्रोसीजर के अंदर लैप्सेस पहले होते थे, वही लैप्सेस करीबन करीबन अब होते हैं। तो जो असेसी की जो एग्नी है सेक्शन 148 के नोटिसेस को लेकर के, वो मेरे विचार से कहीं पे भी कम नहीं हुई है। ये केस भी उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज B का शो कॉज नोटिस इशू किया गया और ये कहा गया कि एसएससी ये बताए कि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस क्यों ना इशू किया जाए, क्योंकि एसएससी ने ड्यूरिंग द ईयर एक 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है जो कि उसने अपनी इनकम में नहीं दिखाई है। एसएससी को जब यह नोटिस मिला तो एसएससी ने बताया कि एसएससी ने एक 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, जो प्रॉपर्टी एसएससी ने 2012 के अंदर बुक की थी, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेमेंट की गई और यह पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2012 से लेकर के 19 अप्रैल 2017 तक की गई। जो भी पेमेंट्स की गई उसका सबूत एसएससी ने बैंक स्टेटमेंट्स के रूप में लगाया, जो भी एग्रीमेंट टू परचेज था वो लगाया और सेल डीड की कॉपी लगाई। जब एसएससी ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो डिपार्टमेंट ने इन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किए बिना ट्रू सेंस के अंदर एसएससी की बात नहीं मानी और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस 147 की असेसमेंट करने के लिए इशू कर दिया। एसएससी की बात को कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि एसएससी ने ये जो 20 लाख रुपए की पेमेंट की थी वो एक साल में नहीं की थी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की थी, जो कि एसएससी ने अपने सबमिशंस के अंदर इस बात को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। एसएससी इस 148A क्लॉज D के ऑर्डर और सेक्शन 148 के नोटिस के अंगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट मेरिट में गया और कोर्ट ने यह पाया कि एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया गया, एसएससी का सेक्शन 148 का नोटिस इशू होना नहीं बनता था। कोर्ट ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से एफिडेविट मांगा और उस एफिडेविट में प्रिंसिपल CIT साहब ने ये एडमिट किया कि उनको ये नोटिस नहीं इशू करना था, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस पर स्टे लगा दिया है इसलिए वो उसको क्वैश नहीं कर पा रहे हैं, उसको ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट पहले ही एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर चुका था, इसलिए ऐसी संभावना, ऐसा संभव नहीं है कि 148 के बाद डिपार्टमेंट अपने आप उस नोटिस को ड्रॉप कर दे। कोर्ट ने सेक्शन 148 के अंदर जो नोटिस इशू किया गया था उसको क्वेश किया और डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि जितने भी एयरिंग ऑफिसर्स हैं इस प्रोसीजर के अंदर इस नोटिस को इशू करने में, उनके अंगेंस्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई करे और एसएससी को भी बताए कि डिपार्टमेंट ने उन ऑफिसर्स के अंगेंस्ट क्या कार्रवाई की है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट के अंदर 6 हफ्तों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए। इस केस के अंदर कोर्ट ने जो CBDT का सर्कुलर है और पहले जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एफिडेविट दिया था कोर्ट के समक्ष, उसका भी हवाला दिया और ये कहा कि ये जो एसएससी का हरेसमेंट है ये कॉन्टिन्यू है। हमने पिछले भी काफी सारे केसेस में ऐसा देखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डिपार्टमेंट से के रवैये से, जहां तक कि सेक्शन 148 के नोटिस का और असेसमेंट का सवाल है, उसके लिए काफी नाराज है।
लेकिन उसके बाद भी न केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट में या इलाहाबाद कोर्ट में जो ज्यूरिसडिक्शन पड़ती है उन केसेस में, और भी देश के दूसरे स्टेट्स के अंदर जो सेक्शन 148 को लेकर के है वो काफी डिपार्टमेंट की उदासीनता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है धर्मेंद्रा कुमार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 448 आईटीआर पेज नंबर 313 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 25 मई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।